अश्विन भाई दो मैचेस हुए आज आयरलैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड ने 35 रन से आज जीत लिया मैच, मैन ऑफ द मैच विलियमसन, अच्छी इनिंग्स खेली, कप्तान चल पड़े, क्या कहना चाहेंगे आज के मैच के बारे में? आई थिंक मैच ऑफ कोर्स अच्छा था, बड़ा टोटल था, 9.25 का एवरेज चेस करना था आयरलैंड को, आयरलैंड ने कोशिश जरूर की बट बहुत छोटी छोटी पार्टनरशिप्स हुई हैं, यू नो एक कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग की जरूरत थी, बट न्यूजीलैंड जैसे सारे एनालिस्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड कह रहे हैं कि एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन इस वक्त बना हुआ है, जहां बैटिंग की बात की जाए, बैटिंग में आप देख लें कि 180 प्लस 170 प्लस रन्स करें, एट द सेम टाइम बॉलिंग बहुत अच्छी चली, फर्गुसन ने जिस तरह की बॉलिंग की आज 3 विकेट ली है, आई थिंक बहुत क्विक डिलीवरीज की उन्होंने। अच्छा उनकी जो लेफ्ट आर्म बॉलर्स हैं वो हमारे बॉलर्स की तरह एक्सप्रेस नहीं है, मगर वो अपनी टैलेंट एक्सप्रेस बहुत अच्छा करते हैं, आई थिंक लाइन अच्छी है, बोल्ड जिस तरह बॉलिंग करते हैं, आई थिंक बहुत ही उनको पता है अपनी लिमिट्स का कि किस जगह बॉलिंग करती है, एंड उनका स्लोवर वन भी बहुत ही अच्छा है, बहुत यूटिलाइज करते हैं उसको, बड़ी टाइमली, जो लेंथ है ना, लेंथ ही मैटर करती है, और नया बॉल स्पेशली जिस तरह शाहीन का थोड़ा सा कट होके अंदर आता है, यू नो उनकी जो लेंथ है ना वो भी बड़ी क्लीन लेंथ है, तो वहाँ पर इतना ईजी नहीं होता फर्स्ट 6 ओवर में बहुत ही ईजीली उसको एग्जीक्यूट कर सकें आप बाउंड्रीज के लिए, ऑल दो आयरलैंड ने स्टर्लिंग ने बकलीनी, यस बड़ा मुश्किल सा नाम है भारत, इन दोनों ने कोशिश की है, एक पहली जो पार्टनरशिप थी अच्छी पार्टनरशिप हुई है, लेकिन जो आने वाली पार्टनरशिप जो कन्वर्ट नहीं कर सके बड़ी पार्टनरशिप के अंदर, यू नो आप जहाँ चेस कर रहे हो 9.25 का एवरेज रन रेट है तो आपको कॉन्स्टेंटली रन बनाने पड़ते हैं, यू नो वो आते हैं कि एक पार्टनरशिप बड़ी मिसिंग थी। थैंक यू भाई इमाद, आयरलैंड जिस वर्ल्ड कप में भी जाती है पिछली बार भी उनके एक बॉलर ने कैम्फर उन्होंने चार बॉलों में चार विकेट ले ली, इस बार भी वो जोशुआ लिटिल छोटे जोशुआ ने हैट्रिक कर ली, ये जो एक एक यादगार छोड़ जाते हैं, एक अपसेट, एक हैट्रिक, ये आयरलैंड जो है वो टेस्ट प्लेइंग नेशन भी है, उनको मेरे ख्याल से इनफ एक्सपोजर मिलेगा तो शायद वो दो तीन साल में बड़ी अच्छी टीम बन जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त बॉलर है वो, पूरे वर्ल्ड कप में उसने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की और आयरलैंड को एक नया प्रोस्पेक्ट मिला है फास्ट बॉलिंग में। देखिए जिस तरह आज की थोड़ी सी गेम पे आता हूँ, जिस तरह केन विलियमसन ने आज खेला है, प्लीज सो आई थिंक 175 के स्ट्राइक रेट से उसने 61 किए हैं 36 बॉल्स पे, विच इज़ फैंटास्टिक, उसने गेम चेंज किया है। और जैसे फिन एलन खेल रहा है, हालांकि वो छोटे रन्स कर रहा है, 32 किए आज उसने, लेकिन वो एक इम्पैक्ट डाल देता है एग्जैक्टली। तो उसके बाद जो आपने सवाल पूछा कि फास्ट बॉलर्स का, उनके बॉलर्स बहुत एक्सपीरियंस है, 300 T20 खेले हुए, 10-10 साल से टीम के साथ हैं, और वो लोग रिलाई नहीं करते क्योंकि यंग आ जाए या इस तरह आ जाए, वो अपने एक्सपीरियंस को लेके जाते हैं वर्ल्ड कप में स्पेशली। आपने एक वर्ल्ड कप कप्तान नहीं चला, नहीं कप्तान चल रहा है, और कप्तान चलेगा मुइन भाई, चलेगा फिर चलेगा। अब मैं आता हूँ नुमान के पास, नुमान भाई ये बताइए कि न्यूजीलैंड को तो जानते ही हैं आप, बचपन से हम फॉलो कर रहे हैं क्रिकेट को, न्यूजीलैंड का ये 2015 का जो ODI था उसके भी मेरे ख्याल से फाइनल में पहुंचे, बल्कि फाइनल में पहुंचे हार गए, फिर T20 का वर्ल्ड कप 2016 सेमीफाइनल में पहुंचे हार गए, ODI वर्ल्ड कप 2019 फाइनल में पहुंचे हार गए, T20 का वर्ल्ड कप 2021 फाइनल में पहुंचे हार गए। मुइन भाई चोकर्स नहीं कहते इनको, तो इनको क्या कहें? चोकर्स तो साउथ अफ्रीका को कहते हैं, न्यूजीलैंड को क्या कहें? कुछ तो इनके लिए भी आपको अलकाबात नवाजे, टेस्ट चैंपियनशिप तो जीते ना भाई, अभी बाइट बॉल की बात हो रही है ना, बिला अजय में आप मेरे सवाल को बदनाम करने की कोशिश ना करें इमाद वसीम साहब, प्लीज कोई नया लश्कर ढूंढ के आएंगे आप, एक रैंडमली ऐसे सवाल करेंगे, मुश्किल सवाल है ना, बिल्कुल एकदम जवाब नहीं आता, यू नो बट टीम बहुत अच्छी है। मैं एक्टर से पूछना, मैं एक्टर से इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि यार एक्टर की जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आता है, अक्सर वो समझता है यार अब मैं पीक पे पहुंच गया हूँ, और फिर वहां से जाके उसको जवाल का सामना हो जाता है, वापस खड़ा होता है वहां पे जाने के लिए। न्यूजीलैंड को क्या, किस तरह इसको रीड करते हैं न्यूजीलैंड की हार को आखिर में जाके, नोक पे जो हार जाते हैं, अनलकी हैं, फाइट तो हमेशा करते हैं, हाँ। लेकिन ये एक दिन आएगा उनका कि ये सारी जो उनका एक्सपीरियंस है काम आएगा उनके लिए, बस यही कह सकता हूँ, अब हार जीत तो मैच का हिस्सा होती है। काली जर्सी पहनते हैं, ब्लैक कैप्स खिलाते हैं, तब भी नज़र लग जाती है यानी ये तो मिथ ब्रेक हो गई काले न्यूजीलैंड के, ये देखें हमेशा से उनको जो है ना ऐसे रेट किए गए जैसे वो नहीं जीतेंगे या वो उनको ग्रुप स्टेजेस में हार जाएंगे, हमेशा मजाक सा बन गया, हमेशा आप देखें टूर्नामेंट के फाइनल्स पे या मेन इवेंट्स के फाइनल्स में जाती है, इस साल भी चांस है, बहुत ज़बरदस्त चांस है, न्यूजीलैंड भी एक बहुत अच्छी टीम लग रही है जो मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप के फाइनल भी जीत सकती है, लेकिन साउथ अफ्रीका मेरी टीम है, प्लीज आपकी टीम है,
देखिए बार बार जो लड़का अपनी अपनी टीम कह रहा है ये इमरान ताहिर से कॉन्टेक्ट में तो नहीं है। मुझे तो लग रहा है कुछ है सी लीग होने वाली है उधर भी अच्छा नुमान आप भी तो माशाल्लाह क्रिकेट विकेट कीपर हैं भाई आप जी पता है ना आपको ये बात जी जी पता है ना अभी पता चली हाँ आज इनको चारों तरफ से क्रिकेटर्स ने घेरा हुआ है। अच्छा मुझे ये बताइए नुमान किस टीम से शोबिज 11 सेलिब्रिटी 11 इन टीमों से खेलते हैं आप? शोबिज की टीम से खेलता हूँ और शोबिज की हमारी काफ़ी टीम है। एक तो हमारी मून भाई की अपनी टीम है उसके वहाँ से भी खेलता हूँ। उसके अलावा जो है पाकिस्तान स्टार्स 11 है, कराची लाइन्स है, बाकी बहुत टीम है शोबिज की हर जगह से अलग। अच्छा मुइन भाई के साथ खेलते हो तो कीपिंग कौन करता है? ये मैं मुझे इज्जत बख्शते हैं और मुझे कीपिंग का मौका देते हैं और मुझे सीखने को बहुत मिलता है और मुझे बहुत तो यार मैं अब आराम करूंगा थोड़ी देर बैठ के। मुझे बहुत लेट पता चला है मजदूरी का काम है मैं यंगस्टर से करा रहा हूं। अच्छा शोबिज 11 है तो सारी टीम में अहमद शहजाद होते हैं क्या होता है अलग अलग प्लेयर्स होते हैं? हर टीम में हर कोई होता है। अच्छा तो मुइन भाई ये अहमद का क्यों नाम लिया आपने? वो भी एक अच्छे प्लेयर है यार वो क्यों नहीं हो सकते? नहीं अहमद शहजाद का क्या मैंने आते उड़ा देते ना आते उड़ाने की करते आते उड़ाने बहुत अच्छे प्लेयर है प्लेयर तो बहुत अच्छा नो डाउट। अब क्यों पूछा फिर सवाल ये शक क्यों आया? मुझे शक इसलिए आया कि वो उसको शौक है एक्टिंग का, एक्टिंग भी बड़ी अच्छी कर सकता है। हाँ। मेरा ख्याल कोशिश अगर करें हमारी दोस्ती आ रही है वो नाराज भी हो सकती है नाराज हो जाते वो। अच्छा मैं ये पूछा था नुमान तो ये जो शोबिज 11 है इसके अंदर ऐसा होता है ना कि सारे स्टार्स हैं सब सेलिब्रिटीज हैं तो ऐसा और क्रिकेटर्स प्रोफेशनल नहीं है वो तो एक्टर प्रोफेशनल है तो जब इसमें आते होंगे तो वो ये भी तो कहते होंगे भाई मैं ये लिस्ट करूँ हल्की बात करो मैं ही आगे जाऊँगा पहली बैटिंग भी मैं ही लूँगा सबसे ज़्यादा जो होता है ना वो कहते हैं चौड़ा कौन है सबसे ज़्यादा जो मेरी चले बस क्या हो गया मुइन भाई नहीं मैं आपकी इनकी बात नहीं कर रहा हूँ हमने कर रहे हैं लड़का हमले समझ गए नहीं बताए वो भाई समझ है क्या मतलब कौन बताए तहसीन जावेद। अच्छा तहसीन भाई भी खेलते कप्तान है ना वो कप्तान अच्छा, है तहसीन भाई कप्तान है तो अपने चलाते वो कैप्टन है जो कैप्टन बोलेगा हमें करना पड़ेगा।